ये कहानी जेनी नाम की एक लड़की के ऊपर आधारित है जो चरम सुख पाने के लिए घपाघप के अलग अलग तरीके अपनाती है। इसके बाद वो आगे और क्या क्या कारनामे करती है, ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है नॉट अनदर टीन और ये फिल्म 2001 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम जेनी नाम की एक टीनेजर लड़की को देखते हैं। जेनी अपने रूम में एक पुरानी रोमांटिक मूवी देख रही होती है और उस मूवी को देखकर जेनी के अंदर घपाघप करने की इच्छाएं जागना शुरू हो जाती है। इसके बाद जेनी बाबा बंगाली का दिया हुआ हथियार निकालती है और वो उस हथियार को अपने मौत के कुएं में डालना शुरू कर देती है। जेनी चरम सुख का आनंद लेने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं और वो उसे हैप्पी बर्थडे विश करने लगते हैं। अब वो हथियार अभी भी जेनी की मौत की गुफा में ही होता है पर वो अपने डैड के सामने उस हथियार को बाहर नहीं निकाल सकती थी। पर तभी वहाँ पर उसके दादा दादी भी केक लेकर आ जाते हैं और उनके साथ ही वहाँ पर चर्च के फादर और गली के कुछ बच्चे भी आ जाते हैं। फिर वहाँ पर जेनी का डॉग आकर जैसे ही उसके ब्लैंकेट को खींचता है तभी जेनी का वो हथियार उसके मौत के कुएं से निकलकर बाहर उछलता है और वो सीधा आकर उसके केक पर गिरता है, जिससे सभी लोगों को पता चल जाता है कि जेनी क्या कर रही थी। इसके बाद जेनी के डैड उसे और उसके भाई को स्कूल छोड़ने जाते हैं। फिर रास्ते में जेनी का भाई उसे बोलता है कि अब तुम्हें बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए क्योंकि डैड के रूल के हिसाब से तुम बड़ी हो और तुम्हें पहले घपाघप करना है और तुम्हारे घपाघप होने के बाद ही मुझे घपाघप करने का मौका मिलेगा। इसके बाद उनके डैड उन दोनों को स्कूल छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम स्कूल में जैक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और पॉपुलर था, जिस वजह से स्कूल की सारी लड़कियां उस पर फिदा थी। फिर कुछ देर बाद जेनी के पास रिकी नाम का एक चोमू लड़का आता है जो उसे बहुत टाइम से पसंद करता था। रिक जेमी को उसका बर्थडे गिफ्ट देता है और फिर उसे प्रपोज करने की कोशिश करता है पर जेमी उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम जेनी के भाई को देखते हैं जो अपने दोस्तों को बता रहा होता है कि बस अब उससे रुका नहीं जाता। उसका छोटा चेतन किसी अंधेरी गुफा में जाने के लिए तड़प रहा है और उसे किसी न किसी लड़की के साथ तो धुआंधार घपाघप करना ही है। तभी वो सामने से आती हुई अमेंडा नाम की एक लड़की को देखता है और उसको देखते ही वो अपने छोटे चेतन की कसम खाते हुए बोलता है कि इस लड़की को घोड़ी तो मैं ही बनाऊंगा। इसके बाद हम जेक को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा होता है पर तभी वहाँ पर कैथरीन नाम की एक लड़की आती है और वो जेक को उसके साथ घपाघप करने के लिए बोलने लगती है। दरअसल कैथरीन जेक की बहन ही होती है पर फिर भी वो अपने भाई को पेलना चाहती थी। थोड़ी देर बाद वहाँ पर जेक की गर्लफ्रेंड प्रिसेला भी आ जाती है और वो जेक को कोई इंपॉर्टेंट बात करने के लिए बाहर बुलाती है। फिर प्रिसेला जेक को बताती है कि मुझे अब कोई और पसंद है इसलिए मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। फिर जेक जब प्रिसेला के नए बॉयफ्रेंड को देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है। जेक उसे बोलता है कि तुम इस चोमू के लिए मुझे छोड़ रही हो जिस पर स्कूल की सभी लड़कियां फिदा है। अब जेक को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई लड़की उसे भी छोड़ सकती है। इसके बाद हम जेनी को देखते हैं जो आर्ट क्लास में बहुत मेहनत से ड्राइंग बना रही होती है और बहुत कड़ी मेहनत और लगन के बाद वो अपने इस मास्टरपीस को बना ही लेती है। फिर जेक स्कूल से बाहर आता है और वो देखता है कि प्रिसेला अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ चुमाचाटी कर रही होती है। फिर जेक का दोस्त उसे बोलता है कि प्रिसेला बहुत ज्यादा सुंदर है और इस बार भी प्रोम क्वीन वही बनेगी। पर इस पर जेक उसे बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ मेकअप का जादू है जिससे कोई भी लड़की सुंदर बन सकती है। इस पर जेक का दोस्त उसे शर्त लगाता है कि अगर तुमने स्कूल की सबसे चोमू लड़की को इस साल प्रोम क्वीन बना दिया तो तुम शर्त जीत जाओगे। तभी सामने से जेनी भी आ रही होती है और जेक का दोस्त उसे बोलता है कि तुम्हें जेनी को ही पटाना होगा। अब जेक ये सब करना तो नहीं चाहता था पर क्योंकि उसने शर्त लगाई थी इसलिए उसे अब ये करना पड़ेगा। इसके बाद हम जेनी को उसकी क्लासरूम में देखते हैं जहाँ पर रिकी उसे अपनी एक पोयम के जरिए बता रहा होता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है पर इस बार भी जेनी उसे इग्नोर कर देती है। दूसरी तरफ जेनी का हवस से भरा हुआ भाई और उसके दोस्त मिलकर एक प्लान बनाते हैं। वो लोग एसी की सीलिंग में घुसकर वहाँ से लड़कियों के लॉकर रूम में चले जाते हैं और उनको कपड़े बदलते हुए देखने लगते हैं। पर थोड़ी देर बाद वो सीलिंग टूटने लगती है और वो सभी सीधा आकर जेनी के क्लास में गिरते हैं जिसके कारण उन तीनों को डिटेंशन की सजा मिलती है। इसके बाद जेक अपनी शर्त पूरी करने के लिए जेनी के पास जाता है और उसे अपने साथ डेट पर चलने के लिए पूछता है पर जेनी जेक को मना कर देती है क्योंकि उसने पिछले 6 साल में आज तक जेनी से बात भी नहीं की थी। इसके बाद सभी लड़के ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे होते हैं और जेक एक कोने में बैठा होता है। दरअसल इसे पिछले मैच में जेक की वजह से टीम के एक प्लेयर की जान चली गई थी जिस वजह से जेक को टीम से निकाल दिया गया था। इधर जेनी के मन में भी जेक के बारे में सोचकर ठरक जागने लगती है और वो अपने डैड से इस बारे में बात करती है जिस पर उसके डैड उसे बोलते हैं कि तुम्हें जेक के साथ डेट पर जरूर जाना चाहिए। फिर दूसरी तरफ जब जेक अपने घर पर जाता है तो उसके डैड उसे बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारा प्रिसिलिया से ब्रेकअप हो गया है और अब तुम्हें एक नई गर्लफ्रेंड चाहिए, इसलिए उसके डैड उसकी मॉम को उसके रूम में भेज देते हैं और उसे ऑल द बेस्ट बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर जेक अपनी बहन कैथरीन के पास लड़की पटाने की एडवाइस लेने के लिए जाता है पर उसकी बहन तो उसके साथ ही घपाघप करना शुरू कर देती है। फिर जेक उसे रोकते हुए बोलता है कि तुम मेरी बहन हो, तो इस पर कैथरीन उसे बोलती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि जेनी के भाई की कुछ लड़के मिलकर बिना पानी की धुलाई कर रहे थे। तभी वहाँ पर जेक उसे बचाने के लिए आता है पर जेनी का भाई उसे ही मार देता है। अब इस पर जेक को भी गुस्सा आ जाता है और वो जेनी के भाई को पकड़कर कुत्ते की तरह पीटना शुरू कर देता है। इसके बाद जेक जेनी को गाना गाकर इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। जेक भाईजान का गाना गा रहा होता है जिसको सुनकर सभी लोग बोर हो जाते हैं। तभी जेक गाना बदल देता है और गाने में बोलता है कि जेनी के पास एक गन है। अब जेक का ये गाना सुनकर सभी लोगों को लगता है कि जेनी के पास सचमुच में गन है, इसलिए सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं और तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और वो जेनी को पकड़ लेती है। इसके बाद जेक जेनी को छुड़ाकर अपने घर ले आता है।
फिर जेनी जैक को बोलती है कि प्लीज तू मेरा पीछा छोड़ दो। पर इस पर जैक पूरा नंगा होकर जेनी के सामने आकर खड़ा हो जाता है, पर जेनी को जैक का छोटा चेतन पसंद नहीं आता और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जैक अपनी बहन कैथरीन के साथ जेनी के घर पर आता है और वहाँ पर कैथरीन जेनी को पार्टी में जाने के लिए तैयार करती है। थोड़ी देर बाद जब जेनी तैयार होकर नीचे आती है तो वो इतनी सुंदर लग रही होती है कि उसको देखकर जैक का छोटा चेतन खड़ा हो जाता है। इसके बाद वो तीनों पार्टी में जाते हैं और पार्टी में सभी लोग जेनी को देखने लगते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। फिर थोड़ी देर बाद जेनी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और पार्टी में उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर देती है। तभी वहाँ पर प्रिसेला आती है और वो जेनी का सबके सामने मजाक उड़ाने लगती है, जिससे जेनी रोते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर रात को जैक जेनी के घर पर उसे मनाने के लिए जाता है और कुछ देर तक बातें करने के बाद उन दोनों में नजदीकियां बढ़ती हैं और वो दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं, पर दोनों को ही उस टाइम कंफर्टेबल फील नहीं होता, इसलिए वो इस प्रोसेस को बात के लिए छोड़ देते हैं। फिर अगले दिन जैक जेनी के पास आता है और उसे मैच देखने के लिए इन्वाइट करता है। अब क्योंकि जेनी भी जैक को पसंद करने लगी थी इसलिए वो भी उसे आने के लिए हाँ बोल देती है। फिर अगले दिन मैच चल रहा होता है और जैक हमेशा की तरह एक कोने में चुपचाप बैठा होता है, पर इस बार जैक की टीम बहुत बुरी तरह से हार रही थी और टीम के कुछ प्लेयर्स को चोट भी लग गई थी, जिसके कारण कोच जैक को खेलने के लिए भेजते हैं। पर हर बार की तरह इस बार भी जैक कुछ उखाड़ नहीं पाता और उनकी टीम बहुत बुरी तरह से हार जाती है। मैच खत्म होने के बाद जैक काफी उदास होता है, पर तभी वहाँ पर जेनी आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि गेम में हार जीत तो चलती रहती है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर जैक का दोस्त आता है और उसे बोलता है कि आज हम तुम्हारी वजह से मैच हारे हैं और अब मैं जेनी को सब कुछ सच बता दूंगा, और फिर वो जेनी के कान में कुछ बोलने लगता है। अब क्योंकि जैक भी जेनी को पसंद करने लगा था इसलिए वो खुद ही जेनी को सब कुछ सच बता देता है। अब जैक की बात सुनकर जेनी बहुत दुखी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर जैक का दोस्त उसे बोलता है कि मैंने तो उसके कान में कुछ नहीं बोला और तुम चूतिया ने खुद ही उसको सब कुछ सच बता दिया। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और वो दोनों ही एक दूसरे से नहीं मिलते, पर वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे होते हैं। फिर प्रोम नाइट पर जैक का दोस्त जेनी को अपने साथ लेकर आता है और जैक अपनी बहन कैथरीन के साथ आता है। वहाँ पर जेनी का भाई भी होता है जो फाइनली अमेंडा को लव लेटर दे देता है। फिर अमेंडा को भी वो लेटर पढ़कर बहुत अच्छा लगता है और वो जेनी के भाई को घपागप करने के लिए अपने साथ ले जाती है। दूसरी तरफ जेनी जैक के दोस्त के साथ डांस कर रही होती है और जैक अपनी बहन के साथ डांस कर रहा होता है। फिर डांस करते वक्त कैथरीन जैक को अचानक किस करने लगती है और ये देखकर जेनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ पर कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोम किंग और क्वीन का अनाउंसमेंट करते हैं और प्रोम किंग जैक को बनाया जाता है। फिर प्रोम क्वीन की बारी आती है और प्रिंसिपल बोलता है कि इस बार प्रोम क्वीन दो लड़कियों के बीच में टाई हुआ है। अब ये देखकर प्रिसेला सोचती है कि शायद उसके और जेनी के बीच में टाई हुआ है, पर वो दोनों तो कोई और लड़कियां होती हैं। इसके बाद जैक जेनी को ढूंढने के लिए जाता है और वहाँ पर उसका दोस्त उसे बताता है कि जेनी घपागप करने के लिए एक होटल रूम में गई है। फिर जैक होटल रूम की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी रास्ते में उसे रिकी मिलता है और वो उसे बोलता है कि मैं भी जेनी को बहुत प्यार करता हूँ। पर जैक उसे इग्नोर करके सीधा होटल रूम पहुंचता है जहां पर उसे पलंग तोड़ने की आवाजें सुनाई देती है। अंदर जाने पर जैक को पता चलता है कि वहां पर प्रिसेला उसके दोस्त के साथ घपागप कर रही है और दूसरी तरफ प्रिसेला का बॉयफ्रेंड उनका वीडियो बना रहा है। फिर जैक जेनी के घर पर जाता है जहां पर उसके डैड उसे बताते हैं कि जेनी पेरिस जा रही है और वो भी एयरपोर्ट पर है। फिर जैक भागकर एयरपोर्ट पर जाता है और एक फुटबॉल लेकर जेनी के मुंह पर मारता है, जिससे वो वहीं रुक जाती है। फिर जैक जेनी के पास आकर उसे अपने दिल की बात बताता है, जिसको सुनकर जेनी पेरिस जाना कैंसिल कर देती है। फिर वो दोनों वहाँ पर एक दूसरे को किस करने लगते हैं और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।